बड़ी खबर आ रही है वाराणसी के बीएचयू से, जहां छात्राओं से छेड़खानी और बीती रात हुए जबरदस्त हंगामे के बाद अब वहां पर प्रदर्शन और भी तेज हो चुके हैं। पुलिस हिरासत में कांग्रेसी समर्थक हैं, राज बब्बर वहां पर पहुंचे थे, हिरासत में ले लिए गए हैं। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर वहां पहुंचे थे छात्राओं के समर्थन में, लेकिन छात्राओं के समर्थन के लिए पहुंचे राज बब्बर को हिरासत में ले लिया गया और वहां पर छात्राएं अब धरने पर बैठ गई। राज बब्बर इन छात्राओं के समर्थन में वहां पर पहुंचे थे, लेकिन राज बब्बर को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले वीसी मीडिया के सामने आए और वीसी ने साजिश की आशंका भी जाहिर कही और कहा कि इस हंगामे के पीछे बाहरी लोगों का हाथ भी है, लेकिन बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़खानी हुई, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कल देर रात छात्राओं की पुलिस से झड़प हुई है। छात्र छात्राएं इकट्ठा थे, लेकिन हॉस्टल के बाहर जब पुलिस से इनकी झड़प हुई तो वहां पर हिंसा भी हुई, आगजनी भी हुई, एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। राज बब्बर वहां पर पहुंचे और राज बब्बर जब पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, हिरासत में लिया कि किसी भी तरह से हालात स्थिति और न बिगड़े। तो बीएचयू की छात्रा से छेड़छाड़ के बाद वीसी गिरीश त्रिपाठी ने भी कहा था कि ये बाहर का मामला लगता है, बाहर के लोग इनमें हैं। तीन दिनों से राजनीति का केंद्र बना हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पर गहमागहमी जारी है। बीएचयू में कांग्रेस यूपी अध्यक्ष राज बब्बर समर्थकों के साथ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राज बब्बर को फिलहाल हिरासत में रखा गया है, लेकिन इस बीच वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजेस बंद करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। इक्कीस सितंबर की रात बीएचयू के प्रवेश द्वार पर लड़कियों का धरना चल रहा था, लेकिन धरना देखते ही देखते उत्पात और हिंसा में तब्दील हो गया। फिर तो पूरे इलाके की शक्ल ही बदल गई। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर एक ओर बीएचयू के सुरक्षा गार्ड्स थे तो दूसरी ओर छात्राएं और कुछ छात्र। छेड़खानी के मामले में छात्राएं कुलपति से मिलने जा रही थी, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। मुख्य द्वार पर देर तक धक्का मुक्की होती रही, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। कई छात्राएं जख्मी होकर गिर पड़ी। लाठी चार्ज में कई छात्र भी गंभीर रूप से घायल हुए, किसी का हाथ टूटा तो किसी को पैर में गंभीर चोट आई, किसी की पीठ पर सुरक्षा कर्मियों की बर्बरता के सबूत दिखे। लाठी चार्ज की कोई नौबत ही नहीं बनती थी, यहाँ लड़कियाँ इन्वॉल्व थी, लड़कियाँ सामने थी, हमने सोचा भी नहीं था कि लाठी चार्ज होगा और लड़कियों पे सबसे पहले लाठी चार्ज होगा। एक तरफ लाठियां बरसी तो दूसरी ओर पत्थर चले। इस झड़प की आग सड़क पर खड़ी गाड़ियों तक जा पहुंची। बवाल की खबर फैली तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। रात 12 बजे शुरू हुआ ये बवाल करीब ढाई घंटे तक चलता रहा। छेड़खानी के विरोध में धरना दे रही छात्राओं पर बरसी लाठियों ने उन्हें भड़का दिया था। लड़कियां किसी कीमत पर झुकने या मानने को तैयार नहीं थी। लड़कियों की डिमांड थी कि लड़कियों की छेड़खानी हुई है, उसके विरोध में वीसी आए और संज्ञान ले इस बात का। लड़कियां इकट्ठा थी लंका गेट पर और फिर लड़कियां वीसी के सामने, वीसी लॉज के सामने पुकारने लगी कि वीसी सर आइए और हमें बात सुनिए। छात्राएं 21 सितंबर को हुई छेड़खानी की वारदात के विरोध में वीसी से मिलना चाहती थीं, लेकिन मामला कुछ और ही हो गया। रात के उत्पात के बाद सुबह बीएचयू का इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। शरारती तत्वों की धरपकड़ भी शुरू हो गई। बिल्कुल शांति है यहाँ पे फिलहाल, तो ठीक है, बहुत डिप्लॉयड है यहाँ पे। तीन कंपनी लगी हुई है हमारे, 8 एसओ भी लगे हैं, 3 क्षेत्राधिकारी की ड्यूटी यहाँ पे लगी है और मैं खुद भी हूँ, एडीएम साहब हैं, तो फिलहाल सुबह से कोई बात नहीं है। हिंसा के करीब 12 घंटे बाद वीसी सामने आए और उन्होंने कहा कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। बड़ी मात्रा में बाहर से लोग आए जिन्होंने इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश की। हमने बार बार अपने अपनी छात्राओं से और अपने विद्यार्थियों से बात करने का प्रयास किया और हमारी उनसे वार्ता हुई भी है, वे हमारी बात से सहमत भी हैं,
लेकिन अचानक पता नहीं कौन लोग हैं जो उनको भड़का करके सड़क पर फिर खड़ा कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। लाठीचार्ज में घायल हुए पत्रकारों का हाल जानने के लिए डीएम को भेजा गया है, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान करने को कहा गया है। बीएचयू में जिस त्वरित कार्रवाई की उम्मीद थी वो हो नहीं सकी, अब देर से ही सही, लेकिन छात्रों को इंसाफ का इंतजार है ताकि वहाँ अमन चैन के साथ लड़कियों के लिए सुरक्षा का माहौल बन सके। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।